नमस्कार भाई, सारे जमींदार भाइयों ने, यूट्यूब दर्शकों ने, किसान भाइयों, ये इंटरनेशनल 444 DI ट्रैक्टर है, मेड इन इंग्लैंड, 1980 का मॉडल। जो ट्रैक्टर भाई मैंने ख़रीद लिया है, वैसे ख़रीदा तो मैंने एक हफ्ते पहला था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था अपने खेत के आगे काम में और थोड़े बाहर भीतर गए, दो चार शादी शुदियाँ दी, तो इस वजह से मैं इसका परफॉर्मेंस आपने नहीं दिखा पाया टाइम के रहते, और इसका वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया, तो इसके बारे में दिखाता हूँ। और ये टोटली ट्रैक्टर जो है भाई मेड इन इंग्लैंड है, और ये मॉडिफाई हो रखा है, मुझे पसंद आ गया। एक पंजाब के किसान के पास में था, उससे मैंने ये ख़रीद लिया है अपने लिए। चलो थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कुछ अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ट्रैक्टर जो है मॉडिफाई करवा रखा है, दोबारा से रिपेंट हो रखा है भाई। ये जैसे इसके इंजन से शुरू करते हैं, तो इंजन में आप देख सको, ये मार्का अपना दिख रहा होगा, मेड इन इंग्लैंड का मार्का है। इधर गियर बॉक्स पे भी दिखा दूंगा, ये आप देख सको, ये रहा हमारे का यहाँ पे, और ये इधर भी हो गया लिफ्ट वाले टापे पे भी, और पीछे भी पाओगे एक दो जगह जहाँ पे भी होगा, मैं अपन दिखाने की कोशिश करूँगा पूरी। और जैसे कि अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर इंजन है बोस के लाइन पंप के साथ। सेल्फ इसका चेंज करवा रखा है भाई, आजकल के सेल्फों के हिसाब से जो नए मॉडल के आ रहे हैं, छोटा सेल्फ लगवा रखा है। बहुत ही कम करंट में ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाए, और अगर इसके बोनट का स्टाइल देखें हम तो सब तो अलग था। ये इसकी जाली जो है बहुत ही कम ट्रैक्टर आपने देखने को मिलेगी, ओरिजिनल जाली, इसकी ओरिजिनल जाली साथ की, और I4 इंग्लैंड का मार्का भी है इस पर। बहुत सारे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा ये जाली दूसरे डिज़ाइन में हो थोड़ी सी, उसमें लाइट नीचे की तरफ पावे हैं, इसमें हेडलाइट ऊपर की तरफ है, और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। इसी जाली को आप घुमा के अगर नीचे कर लोगे तो जाली लाइट हेडलाइट आपकी नीचे आ जाएंगी। ये दोनों बोल्ट और ये दोनों बोल्ट खोल के इसको नीचे पलट दो। इंडिकेटर इसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं साइड में, जिस किसान के पास ये पहले था हमारे से पहले, उसने अपने हिसाब से तैयार करवा रखा था। और फ्रंट एक्सल इसका आप देख सको, इतना हैवी ड्यूटी आज भी नहीं दे रही महिंद्रा कंपनी जितना पहले आया था, और एडजस्टेबल है। ये देख सको आप, इसके ऊपर सारे जो मार्के खुदे हुए हैं, और इसके रिम भी ओरिजिनल है। ये आप देख सको, अब के ऊपर जो कैप लगी हुई है 3 बोल्ट वाली, ये भी ओरिजिनल है, और पिछले रिम भी इसके ओरिजिनल है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट लग रहा है भाई, जो कि प्लास्टिक का फाइबर का वेट है, और फाइबर छतरी लगी हुई है। इसका इंजन भी आपने दिखाऊंगे, आगे जो है बम्फर लग रहा है, और बम्फर पे एक्स्ट्रा हेडलाइट, और साइलेंसर तो आपने देखा ही होगा, यो सब तो अलग है। ये साइलेंसर के ऊपर जो है ये कवर एक्स्ट्रा लगा रखा है भाई, जिससे ट्रैक्टर की काफ़ी लुक बन रही है। फाइबर छतरी लगी हुई है, छतरी में आगे पीछे हेडलाइट लगी हुई है, 4 लाइट एक्स्ट्रा। और अगर ट्रैक्टर के हम ट्रांसमिशन यानी गेयरबॉक्स की बात करें तो इसके अंदर 4 लो और 4 हाई, 8 फ्रंट गियर और 2 रिवर्स जैसे नॉर्मल में अंदर में आते हैं भाई, यानी कि 10 गियर के साथ है। अब हम आपको दिखाएंगे इसका इंजन। ड्राई एयर क्लीनर है इसके अंदर, और बड़े चौड़े रेडिएटर हैं। ये देखो बिल्कुल अपना जो महिंद्रा का ट्रैक्टर आता है 475 वगैरह, सेम वही इंजन है इसमें, और एयर क्लीनर इसके अंदर ड्राई बना रखा है। वैसे इसमें ऑयल वाला आता था उस टाइम पे, ये इसके अपना माइक हो गया, इसके अंदर डीजल फिल्टर लगा रखे हैं, और ये शायद बोस का होगा उस टाइम पर पंप इसमें, या माइक होगा हो, इस पर पेंट हो रहे हैं। ये आप इधर भी देख सको, इंजन के ऊपर अर्जिंग एम आर के मिलेंगे आपने। ये ट्रैक्टर जो है और अब वाले ट्रैक्टरों में इनमें थोड़ा ताकत का फ़र्क है। ये ट्रैक्टर जो है पुराने मॉडल वाले एक्स्ट्रा ताकत लगा हैं भाई, और अगर बात करें इसकी एवरेज की तो ये ट्रैक्टर आज वाले महिंद्रा से तेल कम ले है और ताकत ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ पे इसका अपना बैटरी बॉक्स हो गया, और मार्के वगैरह मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ किसान भाइयों,
इसके अर्जन है इंग्लैंड का मार्का है, जैसे आप ये देख सको हो, ये आपने दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा ऊपर दिखाता हूँ, ये लगा हुआ मार्का ITCI इंग्लैंड का मार्का है। और ये यहाँ पे भी देख सको आप, और ये भी देख सको हो, और एक मार्का इससे पीछे भी हो रहा, मतलब इससे पता लगता है इंग्लैंड के मार्के से कि हमारा ट्रैक्टर जो टोटल ओरिजिनल है। और लुक भी आप देख सको हो किसी है। इसके अंदर हम टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर इसके अंदर 616 का भाई, और रियर टायर जो है इसके अंदर 1428 के डाल रखे हैं। और किसान भाइयों, कई चैनलों पर हमने मेड इन इंग्लैंड इंटरनेशनल 424 की वीडियो देखी थी, पता नहीं उसमें यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर झूठ बोल रहे थे या किसान झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि जो इंग्लैंड वाले ट्रैक्टर हैं ये जो है 40-45 से भाग जाए हैं, लेकिन मेरा ट्रैक्टर जो है रोड पर 65 की स्पीड भाग गए हैं। अगर आप इस बात का चैलेंज करते हो तो मैं अपने इसकी रोड स्पीड टेस्ट करा दूँगा अगली वीडियो में। और ये ट्रैक्टर जो पूरा रोड के ऊपर 65 भाग जाए है, काफ़ी जम के चल रहे हैं। तो किसान भाइयों, जिस भी भाई ने अपनी वीडियो पसंद आई हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने मेरा ट्रैक्टर कैसा लग गया और के कुछ इसमें खास लग गया आप लोगों ने, तो मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। और चलते चलते आपको थोड़ा सा ट्रैक्टर का साउंड भी सुना देते हैं कि इसका साउंड कैसा है। चाबी की दो आपा दिए ले रख बजा के, करिए स्टार्ट। रुक जा, उस तो सूचा अलग बनवा रखे मैं उसने, ये सूच है ना, न्यूट्रल कर लिया आपा, यो दबा के ना इब चाबी दे, दबाओ ने दबा लिया ना थोड़े ने, ये देखो भाई थोड़ी रेस दी है, साउंड भी देख लिया होगा किसान भाई आपने, बहुत प्यारा साउंड था ट्रैक्टर की, बोनट की लुक और साउंड मैंने पसंद आ गए, मैंने झट से इसका सौदा कर लिया। और पंजाब मोगा का ट्रैक्टर है भाई ये, वहाँ से खरीद के ले आए हुए हैं, पंजाब का ही नंबर है, और आज तक जो ट्रैक्टर फर्स्ट पार्टी के पास में ही था। थोड़ा चलाइए इन्हें आगे पीछे चलाइए, थोड़ा सा किसान भाइयों अपने इसका दिखा दें, थोड़ा सा डेमो चला के ट्रैक्टर का, बैक में ले जाए पीछे ने टॉप में ले ये फिर आगे ने, मस्त लग गया चालन में। और टायर देख सको आप इसमें कितनी बढ़िया फिटिंग बना रखी है, इसके टायरों की लीक चौड़ी कर रखी भाई, आप देख सको कितना स्पेस है इसके टायरों में पीछे, और काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। और जो किसान भाई का धोखा हो जो उनसे भी भाई गए या किसी यूट्यूबर गए या जिनने भी अपनी वीडियो पहले बनवा रखी, कर दे बंद कर दे बंद कर दे, चौक खींच ले चौक, चौक इसमें हट दे रखी है नीचे की बजाय, स्विच काट दे, काट दे चाबी भी। जिस भी किसान भाई का धोखा हो भाई के ट्रैक्टर 65 की स्पीड नहीं भागता, तो हम ऐसे दूसरे फ़ोन में जो है मैप चला के गूगल मैप लोकेशन डाल के कहीं की भी, और इसके ऊपर रोड स्पीड आप अपने टेस्ट करवा देंगे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के, पर इसके लिए अपने चैलेंज करना पड़ेगा कि ये ट्रैक्टर 65 की स्पीड नहीं भागता। हमने अपना चला के देखा है पूरा 65 की स्पीड भाग गया हमारा ट्रैक्टर, जो किसान भाई चैलेंज करता है वो शर्त लगा उसके है। तो मिलेंगे फिर किसान भाई उसकी नेक्स्ट वीडियो में, सारे जमींदार भाइयों ने एक बार फिर से राम राम।